दिल्ली में इस समय कोरोना ने कितना आतंक मचाया हुआ है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। पर इस मुश्किल की घड़ी में भी दिल्ली के डॉक्टर्स अपना फर्ज अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार की गलतियों की सजा आम नागरिकों को भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल बीते 3 महीनों से दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स को उनकी सैलरी नहीं दी है, जिस वजह से अब डॉक्टर्स ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें 16 जून 2020 तक उनकी सैलरी नहीं दी गई, तो वो सब सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ये मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल से सामने आया है, जहां के डॉक्टर्स ने चेतावनी दिल्ली सरकार को दी है, क्योंकि उन्हें बीते 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। लेकिन तब भी वो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, पर अब वेतन न मिलने की वजह से उन्हें घर का खर्च चलाने में काफी समस्याएं आ रही हैं। इसी के साथ कस्तूरबा गांधी के प्रेसिडेंट सुनील कुमार ने कहा कि हमें जिस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, हम उससे काफी खुश हैं, लेकिन उस सम्मान से हमें राशन नहीं मिलेगा। वह हम आपको बता दे कि अगर डॉक्टर्स ने रिजाइन दे दिया तो दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इस समय दिल्ली के अस्पतालों में जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उतने डॉक्टर्स दिल्ली को चाहिए, क्योंकि इस समय दिल्ली में कोरोना वायरस ने काफी ज्यादा हाहाकार मचाया हुआ है। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।